हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डिंपल भारद्वाज एक बार फिर आ गई हूँ आपके साथ, और इस बार मैं आपके लेकर आई हूँ पर्पल हॉल। बहुत टाइम बाद मैंने पर्पल से कुछ शॉप किया है गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं ट्राई करना चाह रही थी और जिसके रिजल्ट्स मैंने सुने हैं काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ चीज़ों की नीड मुझे इस समय बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पर्पल से इस बार चीज़ों को मंगाया जाए और देखा जाए ट्राई करके कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं, जितना बाकी लोग रिव्यू कर रहे हैं उतनी अच्छी है भी या नहीं है। तो उन सब चीज़ों को टेस्ट आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ें मंगवाई हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पर आते ही रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सुपर एक्टिव रहती हूँ, नई नई वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, फन वीडियोज़ बनाती हूँ, और अपनी लाइफ के साथ मैं बहुत ज़्यादा अपडेट आप लोग को करती रहती हूँ। सो गाइस, मेरा हैंडल है anchor_dimpleBhardwaj। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है गुड वाइब्स का कोकोनट ऑयल। ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, उनको काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं इससे, और यूज़ करने के बाद उनको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ ओरिजिनलिटी है ऑयल की। दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मंगवा के देखती हूँ कि ये जितना उनके लिए बेनिफिशियल रहा है यूज़ करने में, मेरे लिए रहता है या नहीं रहता है। तो मैंने इसको मंगाया। इसका प्राइस है गाइज 315 रुपीज़, और 200 ml की ये पैकिंग है। कितने में मिला, क्या मिला, और कौन सी चीज़ मुझे फ्री मिली है, कौन सी नहीं मिली है, वो मैं स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी। सो गुड वाइब्स का कोकोनट ऑयल 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। देखते हैं यूज़ करके कि इसका रिव्यू मेरे लिए कैसा रहने वाला है। सो सेकेंड चीज़ जो मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मेरे को मंगानी ही है पर्पल से, वो है था इनका गुड वाइब्स का विटामिन सी फेस टोनर। गाइस, ये मैंने यूज़ किया है, लिटरली मैंने यूज़ किया है। इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, आपको बहुत ही सिट्रिक लगती है, ऑरेंज के ब्लास्ट आपके फेस पे होने लग जाते हैं, और एकदम से रिफ़्रेश कर जाती है आपकी स्किन। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी टायर्ड फील कर रही हूँ ना 2-3 दिन से, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है, एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस टोनर। ये विटामिन सी का ग्लो टोनर है इनका, और रिटेल करता है 215 रुपीज़। और ये है गाइस, कितने ml की बॉटल है ये, ये है 120 ml की ये बॉटल है। इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है और ना ही इसमें कोई सल्फेट है, तो काफ़ी नेचुरल भी है। आगे लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहने वाले मेरे साथ, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, बट अभी आई तो लाइक इट। एक और चीज़ जो मैंने मंगाई नहीं है बट मुझे फ्री मिली है इस पूरे प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो है पपाया का जेल। इनका मुझे फ्री मिला है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। कैन यू सी, अभी यहाँ पर ये प्लास्टिक की शीट लगी हुई है। हर एक प्रोडक्ट में इनके प्लास्टिक शीट लगकर आती है, जो ये चीज़ बताती है कि आपका प्रोडक्ट अभी सील्ड है, किसी ने एक बार भी इसको खोल कर नहीं देखा है, श्योरिटी मिल जाती है आपको। तो यहाँ पर भी अभी तक देख सकते हैं कि ये भी अभी सील है, प्लास्टिक शीट लगी हुई है। 180 रुपीज़ का ये जेल है वैसे। और ये है गाइस, कितने ग्राम्स का कंटेनर है ये, कंटेनर है गाइस 50 ग्राम्स का ये कंटेनर है। नरिशिंग फ्री फेस जेल है, यूज़ करूँगी और ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसा लगा और कैसा इसका यूज़ करने के बाद फील है मेरे लिए। एक चीज़ मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, वो है न्यूटीडर्म का ये मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अमेजिंग है गाइस, 850 रुपीज़ इसका प्राइस है, और बहुत ही रेयर ही होता है कि ये कभी किसी डिस्काउंट में मिले आपको। ये 850 का है और 850 का ही आपको मिलता है। विटामिन ई इसमें इंक्लूडेड है, और गाइस ये 125 ml की पैकिंग में आता है। कैन यू सी, अभी भी ये सील्ड है। एक अभी मेरे पास है, जस्ट अभी वो फिनिश होने वाला था, मैंने सोचा क्यों ना इसको रीपरचेज किया जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बहुत ग्रीसी नहीं लगता है फेस पे, कोई एसएच कुछ खास फ्रेगनेंस भी इसमें इनबिल्ट नहीं की गई है। अगर आप अच्छा मॉइस्चराइज़र ही ढूंढ रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मॉइस्चराइज़र के अंदर अच्छी फ्रेगनेंस वगैरह भी चाहिए तो शायद ये आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि ये एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का काम बहुत अच्छे से करता है और हर एक स्किन टाइप को ये अच्छे से सूट कर जाता है। सो गाइज, एक ये मैंने मंगवाया था,
और अभी मैंने विटामिन सी की रेंज को ज़्यादा मैं यूज़ करना शुरू कर चुकी हूँ। तो अभी मैंने ये मंगाया है विटामिन सी का स्लिपिंग ग्लो मास्क है इनका, ये मैंने मंगाया, ये रिटेल करता है 309 रुपीज़, और ये भी आई थिंक 50 ग्राम्स की ही ये पैकिंग है। और इसकी भी गाइस फ्रेगनेंस बिल्कुल ग्लो टोनर की तरह ही विटामिन सी के एकदम सिट्रिक है, ऑरेंज के ब्लास्ट आपको मिलते हैं, कहीं कहीं आपको लेमन की भी इसमें फ्रेगनेंस इंक्लूड लगती है, और बहुत ही मैं तो मुंह में पानी आ गया, मतलब ऑरेंज का नाम सुनते ही इसकी फ्रेगनेंस ही इतनी अच्छी है, आपको लगेगा कि आपको ऑरेंज खाने का मन कर जाएगा। तो ये मैंने मंगाया है और अभी मैंने इसको जस्ट एक ही बार यूज़ किया है, तो आज तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन आफ्टर वीक और आफ्टर अ मंथ मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, मेरा इसके साथ क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ शेयर होगा, डेफिनेटली होगा। एक चीज़ के साथ फ्री आई है वो है गाइज, इनका एक शैम्पू है, ये बेसिकली फिनोग्रिक वाला है जो एंटी हेयर फॉल के लिए है, उसका ये शेशे पैक है जो इसमें ट्रायल के लिए मुझे फ्री मिला है, विच इज़ गुड कि आप वो अपने प्रोडक्ट्स को इन सैशेस के ज़रिए हम कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमें यूज़ करके अच्छा लगता है तो हम इनको इनकी फुल वर्जन बॉटल मंगा सकते हैं या मिनी वर्जन जो भी हमें मंगानी है मंगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो गाइस एक चीज़ और है जो मैंने मंगाई है वो है गुड वाइब का ये रोज हिप सिरम, और इसके चर्चे कहाँ नहीं हैं, गली गली इसके चर्चे होते हैं गाइस, हर कोई इसको यूज़ करता है और फिर इसके चर्चे शुरू हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। दैट्स वाई मैंने भी इसको मंगाया है। मैं आपको बता दूँ मैंने इसके शैशेज यूज़ किए हैं, आप सोचेंगे शैशेज तो उसके आते नहीं है, तो मैंने कहाँ से यूज़ करिए गाइस, जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं उन वो मेरे बहुत वेल नोन हैं, तो मैं उनके ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ शैशेज दिए थे, तब मैंने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि कैसा इसका टेक्सचर है, कैसा ये यूज़ करने में। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, सब कुछ मैं हिडन रख रही हूँ, क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाली हूँ इस रोज़हिप सीरम को लेकर। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह की बॉटल में आता है, काफ़ी ब्लू कलर की बॉटल है ये, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में आया है इसमें सीरम भी, और ये गाइस रिटेल करता है 450 रुपीज़, और 450 रुपीज़ ये मैंने रोज़हिप सीरम का ये मीडियम साइज़ मंगाया है, इससे एक बड़ा साइज़ भी आता है और इससे एक छोटा साइज़ भी आता है, तो ये मैंने मीडियम साइज़ में मंगाया है, तो देखते हैं कि लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद ये मेरे को क्या बेनिफिट देता है नहीं देता है, क्या रहता है इसका, वो भी मैं आपको बताऊँगी। दैट्स इट सो दैट्स इट गाइज, इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने purples.com से ऑर्डर की थी, होप कि आपने इंजॉय किया होगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फॉर श्योर इन फ्यूचर इनके लिए डेडिकेटेड वीडियोस आप मेरे चैनल पे ज़रूर देख पाएंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप आते जाते रहते हैं और फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है गाइस तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है anchor_dimpleBhardwaj। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय।